स्ट्रैटेजी है तो ये पूरा ही है, वी शुड डू इट। दूसरे लोग गलत प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऑल मशीनरी यूज करते हैं, लेट मी स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो मुद्दा है, जो इश्यू है, ये इमोशनल है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है ना, वो ये कहता है कि जो गैप, इनकम गैप्स, रिच एंड द पुअर, इट शुड बी रिड्यूस्ड। एंड जो वेल्थ है कंट्री का, इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यू। ट्रीटमेंट ये है, बट वो क्या रहा है यहाँ पे? अब तो जब हमें 47 में आजादी मिली तो इतना गैप नहीं था रिच एंड पुअर में, अब तो पता ही नहीं है। मतलब नोबडी कैन से कितना गैप है, मतलब उल्टा ही हो गया। इमोशनल इसलिए है कि एक गरीब व्यक्ति का बच्चा जब किसी प्राइवेट स्कूल पे जाए तो वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसने ही और शी नेवर थॉट ऑफ इट। ड्रीम भी, मतलब ड्रीम भी लेना मुश्किल होता है। और कभी कभी जब वो उस उनके घर में काम करने गई होगी मेड सर्वेंट बनके, या सड़क से निकली होगी, तो सोचा होगा यार ये इतना बड़ा स्कूल है, हमें को तो मिलेगा नहीं हमारे बच्चे। कभी कभी तो शायद वो उनको अलाउ भी नहीं होगा उस सड़क से जाने की, जिसपे इतने बड़े बड़े स्कूल बने हुए। जस्टिस का क्वेश्चन ये है कि दिस एंटायर कंट्री बिलोंग्स टू ऑल, इक्वली बिलोंग्स। तो आपके साथ क्या जस्टिस हो रहा है? और मास्टर जी आए नहीं है, आए हैं तो कहीं और मीटिंग में चले गए हैं, कोई सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ सब चीजें हैं और वो डिफ्राइड है। तो ये तीन चार चीजें इसमें बड़े, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसकी जो बैकग्राउंड है ना, वो ये है, ये जो आर्टिकल 20 में 12(1)(c) देख रहे आप राइट पे, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक लड़ाई है, स्ट्रगल है, एक लिटिगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये शायद इट हैज बीन टेकन नोट बाय द कमेटी आल्सो, दिल्ली के अंदर सक्सेसफुल हुआ इसलिए इसको लॉ में लाया था, कॉन्फिडेंट है। तो इसमें हुआ क्या है कि 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की उस वक्त थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया 49 में कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल और स्कूल्स, मंदिर मस्जिद, इन सबको हम बहुत चीप रेट से जो है लैंड्स थे, और वो रेट था 2,000 पर एकड़ टू 3,000 पर एकड़। 49 में मेरे ख्याल काफी होगा, चाहे आज तो वो कुछ है ही नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, देशभर का तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर अबाउट दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को उन्होंने स्कूल्स बनाने के लिए, सोसाइटी को, क्योंकि ये सोसाइटी को जीत दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं देंगे, तो सोसाइटीज को उन्होंने ये लैंड्स दी 60s में 70s में 80s में 90s में। और उसमें तीन तरीके के पैटर्न थे अलॉटमेंट लेटर्स में। एक पैटर्न तो ये था कि टू द एक्सटेंट ऑफ 25% स्कूल चाइल्ड एडमिट चिल्ड्रन, टू द एक्सटेंट ऑफ 25% belonging to economically weaker section and grant them free shift, total free shift. एक तो ये था, दूसरा ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा कि कितने परसेंट है, और तीसरा ब्लाइंड था, कुछ भी नहीं था। इस तरह तीन पैटर्न थे अलॉटमेंट लेटर, ऐसे क्यों थे पता नहीं, बट एनीवे लैंड्स मिल गई। देने वाला देके भूल गया, और जो लेने वाले थे उनको पता था कि हमने कुछ करना नहीं है। तो दिस वाज ऑल गोइंग ऑन, एंड मेनी टाइम्स दिल्ली की असेंबली थी या क्या था, काउंसिल थी, उसमें भी कई बार चीज उठी, इसी के दिमाग में आता था, ये पार्लियामेंट के अंदर भी उठी,
लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या हुआ कि 1997 के अंदर मैंने एक केस डाला, फर्स्ट केस ऑफ द कंट्री, मेरे मोस्टली फर्स्ट केस ऑफ द कंट्री होते हैं क्योंकि एक ऐसी नई चीज निकलती है, नई चीज समझ में आती है नया। वो केस था फी हाइक का, प्राइवेट स्कूल में फी हाइक का पहला केस है जिसमें मेरे ख्याल से अगर मैं उस पर चला जाऊं तो सारे लोग बड़े इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि हम सब लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और फीस का भी दिमाग में आता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लेकिन मैं उसको टच नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि 1997 में समटाइम्स इन मार्च अप्रैल फीस पे कमीशन का रिपोर्ट आया भी नहीं था विषय, लेकिन कुछ न्यूज में आने लगा कि फीस पे कमीशन आ रहा है। तो प्राइवेट स्कूल्स ने, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने क्या किया कि 42-400% फीस बढ़ा दी सिर्फ इस खबर से भी आ रहा है। और उसका रिएक्शन यह हुआ कि फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिल्ली जो मिडिल क्लास था वो सड़क पर आ गया और 3 महीने उन लोगों ने गवा के एजिटेशन किया। उसमें सड़क पे धरने, बसों को रोकना, एक दिन अपने बच्चों को भी विड्रॉ कर लिया और रोज डिमोन्स्ट्रेशन कर, लेकिन कोई असर 3 महीने में उनको मिला नहीं। एंड आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, जून समटाइम्स इन जून बिगनिंग में वो जो ग्रुप एजिटेशन कर रहा था दे केम टू किसान, हमको ना EIL फाइल करना है। तो मैंने कहा वो बड़ी फाइल लेकर आए, मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तुम्हारी फाइल है, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग बट यू वर ड्यू, तो मैं करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, नो प्रॉब्लम। अब इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें ये था, जो एज ए लॉ स्टूडेंट है लॉयर्स है, कि हमारे पास केस डालने के लिए कुछ भी नहीं था। दो चीज थी सिर्फ, एक तो वो जो फी बिल होता है, फी स्लिप्स जिसको कहते हैं, 4-5 साल का कि देखिए साल 20% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, 32% बढ़ा दिया, कुछ वो थी। और एक उन्हीं कृष्ण वाला जो जजमेंट था 93 का, वो इस अंदर था कि कमर्शलाइजेशन इज इम्परमिसिबल। दो चीज थी, हमने 2-2.5 महीने लगाए उसको केस बनाने, पूरा एनर्जी में नई चीज थी पढ़ना भी, ये कहीं से कुछ मिल जाए। तो उस प्रोसेस में मेरे को ये समझ में आया एक बात, ये सारी जो आर्बिट्ररी फी है, ये जो लूट है, लिटरली लूट है, ये इसलिए है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल का जो सिस्टम है वो डिट्रीट है। इसलिए अगर अल्टीमेटली और लॉन्ग रन लड़ाई करनी है तो आपको गवर्नमेंट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, वरना ये एंडलेस है। ये बात मेरी समझ में आई। और हमने अगस्त या सितंबर में केस फाइल किया कोर्ट के अंदर, कोई देखा जाए 40-50 स्कूलों को भी उसमें पार्टी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया, दिल्ली गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, और कोर्ट ने एकदम केस के अंदर नोटिस इशू कर दिया। और ये नेशनल इशू था, फ्रंट पेज पे सारे न्यूज़पेपर, लीडिंग पेपर्स पे सब। वो जो केस चल रहा था तब उस केस में भी ये डिस्कस होता था, प्राइवेट स्कूल थे और दिल्ली में बहुत सारे स्कूलों को लैंड मिली हुई थी, तो कहीं ना कहीं कभी जज सवाल उठा देता था, कभी हम उठा देते थे कि भाई ये जो है इनको लैंड मिलती है ये सब ऑलमोस्ट फ्री और थ्रोवे प्राइसेस पे, तो फिर भी ये लुटते हैं, समझे इनकी तो जमीन भी नहीं है। तो हुआ क्या कि उस बीच में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसी स्टेज में जो जजिस थे उन्होंने ये डायरेक्शन दी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लैंड ऑनिंग एजेंसी है कि आप भाई साहब वो प्रोड्यूस करिए, लिस्ट प्रोड्यूस करिए आपने कितने लोगों को लैंड दिया। तो उन लोगों ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिस्ट दाखिल करी 265 सोसाइटीज की, जिसके अंदर लिखा था कितनी जमीन मिली, कितने पैसे की मिली, है स्कूल का नाम लिखा क्योंकि सोसाइटी को लैंड दिया।
और सोसाइटी को ये होता है कि तुम्हें ये स्कूल के लिए जाएंगे, तो वो जो लिस्ट हमको मिली वो हमें स्ट्राइकिंग थी, 265 स्कूल्स की मिली, इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो गया आपके पास। और अल्टीमेटली वो केस 1998 अक्टूबर में फी हाइक वाला केस हमारे फेवर में हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉडर्न स्कूल के केस में अफेंड किया, और फिर बाद में उन्होंने एक रिव्यू लगाई, वो 2007 में उनकी रिव्यू भी डिस्मिस हो गई। तो आज पूरे देश में वो जो है एक तरीके से लॉ है, बेसिक लॉ है, और उसको देखकर फॉलोइंग दैट जो है आज मेरे ख्याल से कम 10 या 12 स्टेट्स ने तो कम से कम अपना स्कूल्स के बारे में फी रेगुलेशन एक्ट पर राइटली रॉन्गली गुड और बैड, बट ये उसका इम्प्लीकेशन। और उसके बाद जब ये तो फिफ्थ पे कमीशन था, जब सिक्स्थ पे कमीशन आया तो पूरे कंट्री में पेरेंट्स ने हंगामा किया है? और अभी कोविड के टाइम भी आपने देखा होगा कितने केसेस कोर्ट के अंदर, सारी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, ये सब। तो उसमें एज सच कोई बहुत आउटपुट नहीं है, लेकिन जो लोगों का लड़ाई करना है वो अपने में बहुत स्ट्रांग है, और लोगों में जो अवेयरनेस करना है। और मिडिल क्लास का एक और इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि ये थोड़े वेल ऑफ होते हैं, थोड़े वेल ऑफ भी होते हैं, थोड़े भी वेल ऑफ होते हैं, ज्यादा नहीं होते, और पढ़े लिखे भी हैं, तो ये अपने आप ही बहुत सारी चीजें जो है ना नेट के इससे उससे निकाल लेते हैं, तो जो गरीब आदमी जो है ना वो नहीं कर सकता। तो कई लोगों ने मतलब जो भी समझ में आई उसके हिसाब से लड़ाई शुरू की, तो वो एक अपने में इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं शेयर करता था। दूसरा क्या है, वो जो लिस्ट हमको मिली, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो बहुत क्रिटिकल इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब हमको लिस्ट तो मिल गई, एविडेंस मिल गई, मतलब नाउ वी आर रेडी विद आर्म्स एंड एम्यूशंस कि हम इसको अटैक कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक तरफ तो हम फीस को कम करने की लड़ाई करते हैं, तो दिमाग में ये डाउट आ रहा था कि भाई साहब ऐसा तो ना हो कि आप ये केस करो तो वो कह रही थी कि आप तो फीस बढ़ा रही इसी घरों को, आप लैंड क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात करो तो कोर्ट ये ना कहते कि आपकी फीस इसी ग्राउंड में बढ़ जाएगी। तो जब फीस घटाने की बात कर रहे हैं और हमारी अपनी हरकत से ही वो बढ़ जाएगी तो हम कर क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो हमारे क्लाइंट्स गए, दोस्त गए, पेरेंट्स गए, उनको मैंने बुलाया, मीटिंग करी उनके साथ, इनसे मैं इंटरेक्शन करता हूँ, पूछता हूँ इनसे व्हाट डू यू से, दिस इज द इशू, आई वांट टू हिट देम, व्हाट डू यू से। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर देखो ये जो पैसे लेते हैं ना हमसे, तीन बातें कही उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा ये सर ये जो पैसे देते हैं ना ऑलरेडी ये उनके पैसे देते हैं, दूसरी बात यह है कि इनको आप हिट करिए और अगर हमें देने भी पड़े तो हम दें, मतलब अगर देने ही पड़े तो उन्होंने मुझे कहा कि देने भी पड़े और ये लड़ाई लड़ ली, बस हो गया पैक। फिर मैंने केस 2002 में 265 वाली जो लिस्ट थी उसके बेसिस पे और वो जो एग्रीमेंट के सेल पर थे, तो मैंने कहा कि ये 25% जो है, जो हमने उसमें कहा कि जो एग्रीमेंट के क्लॉज में है अलॉटमेंट लेटर के अंदर कंडीशन ऑफ लैंड अलॉटमेंट, तो वो आप इसको लागू करेंगे सेंचुअर पर। उसमें पैटर्न क्या होता था, जैसे बताया 2000 रुपए से 3000 रुपए पर एकड़ जमीन मिलती, जैसे मायापुरी में एक स्कूल है न्यू इरा पब्लिक स्कूल, मैं एक इंस्टेंस दे रहा हूँ, उसको 6 एकड़ जमीन मिली, तो 4 एकड़ जो है वो 5000 रुपए के हिसाब से मिली, 20,000 रुपए में, और जो 2 एकड़ थी वो प्ले ग्राउंड के लिए सिर्फ 1 रुपए में मिली। एक जनरल पैटर्न है अगर लैंड लेने का, तो कितना हुआ 20,001 रुपए में वो जो है उसको 6 एकड़ जमीन मिली। तो जब हमने फिर वो केस डाला 2002 में, वो तो फुल प्रूफ केस था, उसमें कोई भी जज जो है वो उसको मना नहीं कर सकता, और वो जो जज थे वो भी प्रोएक्टिव थे जज, फॉर्चुनेटली जज की नहीं देर सी बस तुरंत नोटिस इशू करा और फिर जवाब लिया, ये लिया वो लिया, हलचल बच गई सारी जगह। और 10 जनवरी 2004 में फर्स्ट ऑर्डर कोर्ट में पास किया, और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑब्लिगेशन है, ये इनको कंप्लाई करें,
उसमें ये ऑर्डर करा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा एक पैराग्राफ का ऑर्डर, उन्होंने कहा कि उनको डायरेक्शन दी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, बीच में ये भी लड़ाई रही कि कौन मॉनिटर करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट कहने लगी ये डीडीए की लैंड है, डीडीए मॉनिटर करे, डीडीए ने कहा मेरा काम तो सिर्फ लैंड देना था, एजुकेशन डिपार्टमेंट मॉनिटर करे, ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। बट एनीवे अल्टीमेटली 10 जनवरी 2004 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और ये कहा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कि आप देखिए कि कौन जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है और जो कंप्लाई नहीं कर रहा है उसका नाम आप लैंड ऑडिट एजेंसी को भेजिए जिससे वो एक्शन ले। ठीक है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब दिल्ली गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी इंप्लीमेंट करने, वो तो पहले से ही इंटरेस्टेड थी, अगर इंटरेस्टेड होती तो पहले एक्शन लेते। हम वॉच कर रहे थे और हमारी ये इच्छा थी कि 2004 और 2005 वाला जो सेशन है इसी में लागू हो गई और सरकार का ये था कि इसको छटा दो, तो वो कहने लगी कुछ इलेक्शन इलेक्शन की कहानी करने लगी है कि फिर हमने क्या किया, जब हमने देखा 3 महीने इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं कि समय समय पे आपको कैसे करना पड़ता है कोई चीज अचीव करने के लिए। तो मार्च का महीना आ गया, मार्च हमने देखा ये कहीं नहीं देखा, क्या करें हमने। अच्छा, हमें ये पता नहीं था स्कूल कौन से हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ सोसाइटी थी ना, जो लिस्ट भी हमारे पास थी वो 265 सोसाइटी की थी, और सोसाइटी कौन सा स्कूल कहाँ चला रहा है ये पता नहीं। फिर हमने क्या किया, एक संडे मार्च के अंदर ही, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2004 में हमने एक रिसेटलमेंट एरिया पकड़ा हर साल का विकासपुरी के पास। सुबह सुबह पहुंचे, मेरे साथ 3 लॉयर और थे और मैं था, 4 लोग थे। सुबह सुबह पहुंचे, संडे का दिन था तो लोग अपना कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारे काम होते हैं मिसलेनियस काम, निकल के जा रहे हैं। हमने गाड़ी खड़ी करके रोकना शुरू करा, अरे रुको 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 कहाँ जा रहे हो भाई, है ये बताओ तुम्हारा तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, फीस भी ना देनी पड़े। तो 2-4 मिनट जब हमने बोला तो फिर हमने देखा लोग साइकिल ले बोर्ड बोर्ड के हमारे पास इकट्ठे होने लगे। फिर उनको बताया कि देखो भाई प्रॉब्लम ये है, हम इसलिए आए हैं आपके पास कि आपको हम ये नहीं कह रहे हम दाखिला दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेट अस बी क्लियर अबाउट दैट, लेकिन हम ये इसलिए आए हैं कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़े वहां पर और फ्री एजुकेशन मिले, चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि उसके अगल बगल ही बड़े विकासपुरी में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। मैंने कहा भाई देखो प्रॉब्लम यह है कि हमें स्कूल का नहीं, तो हम आपसे ये लिखवाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं लेकिन हमें स्कूल नहीं पता। तो इस तरीके से हमने 2 घंटे के अंदर 250 जो है ना एप्लीकेशन, और वो कई फोटो शेयर कर रहा है, बता रहा है ये कर रहा है वगैरह, पूरा नक्शा ही जो है ना वातावरण ही चेंज हो गया। 250 जब हमने 2 घंटे के अंदर 250 एप्लीकेशन इकट्ठी कर ली तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये तो अगर हम दिल्ली के हर घर में जाए इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस तो हर एक आदमी कह देगा देखो जी बड़े अच्छे जो है ना लोग, अच्छे पैसे वाले लोगों ने भी दिल्ली सरकार को लिखा है कि हमें बिजली फ्री दे दो, जो उन्होंने मांगी तो ये तो आपकी बात है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, मुझे लगा कि ये तो सब लोग करें। फिर उसके बाद क्या करा हमने, 250 एप्लीकेशन तो वहां से मिल गई, फिर हमने अपने दोस्तों को जगह जगह बोला, नेक्स्ट 10 डेज में हमने कंपेन चलाया कि हमें ऐसी एप्लीकेशन और चाहिए, 10 दिन के अंदर 1750 एप्लीकेशन हमारे पास आगे बंडल बन गया। तभी हमने तुरंत एप्लीकेशन लिया, ये एप्लीकेशन की सुनवाई हुई 21 मार्च 2004 को, अब जब हमने मेज पे रखी हुई थी सामने इतनी बड़ी, हमने जज साहब को कहा देखिए इसकी तो 10 दिन के अंदर 1750 है और ये तो हजारों हजारों होंगे। जज साहब ने ऑर्डर करे विद इन 1 वीक दिल्ली गवर्नमेंट विल पब्लिश द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स। अब फिर 27 तारीख एक हफ्ता खत्म होता है, 27 तारीख को जो है ना नजारा ये था कि 3-4 फ्रंट मतलब पेज हर एक डीडी पेपर के दिल्ली के लिस्ट थी, ये स्कूल है ये स्कूल है ये स्कूल है ये स्कूल है, और इसको 25% देना है, पूरे 3-4 पेज वहां से ये स्टोरी शुरू। अब क्या हुआ कि स्कूल तो रिलेक्टेड थे, दिल्ली गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं था,
तो हमें ऑलमोस्ट हर दिन कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ मूव करना। और पहला जो स्कूल वालों ने करा बदमाशी करने की कोशिश करी, और वो बड़ी खूबसूरत चीज है उसके अंदर कि लोग हमारे बहुत अच्छे लोग हैं इन जनरल। वैसे भी हमेशा जो मेजोरिटी ऑफ पीपल इन ऑल सोसाइटी एट ऑल टाइम आर ऑलवेज गुड, चाहे वो पुलिस भी हो, ऑलवेज गुड यू विल फाइंड। तो वो उन्होंने क्या करा, कोशिश करा भाषा में जो फीस देते थे ना उनको भड़काया, उनको कहा कि आप जो है ना उसको अपोज करो। अब वो भी मेरे क्लाइंट थे, उनके लिए फीस के लिए तो मैं ही लड़ा था उसको भड़काया उन्होंने। साहब देखिए गंदे हैं ये तो गाली गलौज करते हैं बच्चे, सारा वातावरण खराब कर देंगे, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं चॉकलेट खाते हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है तो। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हुआ, फैंटास्टिक, नॉट इवन ए सिंगल पेरेंट सपोर्टेड, नॉट इवन ए सिंगल पेरेंट सपोर्टेड। ये एक जो है ना ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ। और फिर हमने रोज कोर्ट में जाके एजी साहब ये नहीं दे रहा, कंटेम्प्ट नोटिस, ये नोटिस, वो नोटिस, रोज मतलब गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट एवरी डे हाई कोर्ट ने खींचा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2004 और 2005 में काफी स्कूलों के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, पूरी तरीके से नहीं हुआ। और फिर उन्होंने दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करा, जब मजदूरी में लेना पड़ा तो दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करा, छोटा कर दे नेक्स्ट 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, मुझे पूरा टाइम। बट एनीवे उन्होंने फिर क्या किया, जो बहुत समझने की जरूरत है क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं है, जो दिखती है ना इतनी आसान नहीं है। उन्होंने उनके आफ्टर आवर्स स्कूल वहां देना शुरू कर दिया, बैठाना शुरू कर दिया, उनकी ड्रेस बदल दी, उनके जो है ये बैच लगता है उस पर लिख दिया W वीकर सेक्शन। तो अब ये बहुत बड़ा काम मिल गया हमको, पहले डेली बेसिस पे मिल गया कि हर वक्त लड़ाई करते रहना है, कहीं डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। न्यूज़पेपर भी ने बहुत हेल्प करा, न्यूज़पेपर ऑलवेज हेल्प कर। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो लागू, और शुरू में कम हुआ, बाद में धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों का भी ये तो 265 ही थे ना, लेकिन उनकी लिस्ट काफी थी। वो तो आज की तारीख में 350 या 384 के करीब स्कूल्स हैं ऐसे गवर्नमेंट लैंड। तो अब मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बोर्ड तो नहीं कर रहा मैं आपका। तो फिर क्या हुआ कि ये बदल लागू हुआ, उसके बाद मुझे जो इसका जो एक्सपीरियंस हुआ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, उसमें एक स्टेज बताता हूँ मैं आपको। एक टेरेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि साहब वो ना उन्होंने 500 रुपये फॉर्म के लिए, तो जब फ्री की बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आपको 500 रुपये वापस दिलवा दूं। नहीं जी कोई बात नहीं, 500 रुपये तो मैं दे सकता हूं। आप पेरेंट्स का एंगल में देखिए, इमोशनल पर्सन। तो इसमें उस वक्त किताबें वगैरह खरीदनी पड़ती थी, उसके लिए भी बाद में एक कमेटी बनी, मैं भी मेंबर था उसके अंदर, कि गवर्नमेंट उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को कुछ पैसे देगा और वो स्कूल वाले उनको रीइंबर्स कर। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ दिल्ली का, उन्हें काफी नॉट वो हो गए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टाइप हो गया, लेकिन अब बहुत कम होगा जरूर, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन कई बार पेरेंट्स भी ना उतना बर्दाश्त कर लेते, बताते भी नहीं हमको, हमें बताएंगे हम तो एकदम खड़े हो जाएंगे, तो हमें बताते भी नहीं कई बार, लेकिन वो रिड्यूस। तो इसका जो इसको देखकर मतलब दिस वाज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो उसके अंदर जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, और फॉर ऑल पीपल। अल्टीमेट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 2012 में उन्होंने जो माइनॉरिटी स्कूल्स थे उनको उसमें से निकाल दिया, और ये बिग इशू एक भी है कि वाई यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन ए चाइल्ड एंड बी चाइल्ड। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो माइनॉरिटी। तो इसमें 2-3 इशूज निकल के आते हैं, 2-3 इशूज आते हैं, मुझे लगता है इस पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2004 से लेते हैं और 2022 आ गया तो इतने साल 16 साल के करीब हो गए, और अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट से लेते हैं तब भी 2010 से और 22
तो 12 साल ये भी हो जाता है। दो तीन सवाल उठते हैं दिमाग में। एक तो सवाल ये उठता है कि मैंने तो दो ही क्लास थी, एक फीस देने वालों की थी और एक गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाली थी, अब एक तीसरी क्लास आगे बीच में। फीस देने वाले उनसे मोहब्बत नहीं करते ईडब्ल्यूएस से, और ईडब्ल्यूएस वाले जो है वो गवर्नमेंट स्कूल वालों से मोहब्बत नहीं करते बच्चों को। तो तीन अलग अलग क्लास है। अगर आप ईडब्ल्यूएस किसी पेरेंट से बात करो गवर्नमेंट स्कूल की, तो वो आपकी नहीं सुने, जबकि वो पहले तो उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। तो ये तीन क्लास हो गए। एक तो दूसरा ये कि क्या अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि गवर्नमेंट इसको खत्म करना चाहती है इस क्लॉज में, ये भी एक इशू है। उन्होंने लिखा है कि ये आ रहा है हमारे पास, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको वापस करो। तीसरा ये कि क्या जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे कम हो रहे हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं, मैं पर्सनली बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्योंकि जब कल वो बता रहे थे हमारे एनसीपीसीआर के चेयरमैन कि 8 करोड़ बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं, भाई तो उनको तो ले आओ, मेरे हिसाब से तो 20-22 करोड़ है मेरे हिसाब से, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभी 3 करोड़ जो है इस कोरोना के अंदर जुड़ गए हैं इसके अंदर, तो आप उनको तो ले आओ। तो क्या ये एडवर्स इफेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल को ये क्लॉज है? क्योंकि एक्चुअली में क्या है, उनको पैसे तो वही देने, जब कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हर एक बच्चे को एजुकेशन देनी है, आप खर्चा करेंगे ना, अगर वो कल स्कूल में आ जाए गवर्नमेंट स्कूल में तो खर्चा करोगे ना, वही पैसे तो आप दे रहे हो प्राइवेट स्कूल में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको इतने पैसे तो खर्च करने हैं, तो फाइनेंशियल पार्ट है नहीं है? और गवर्नमेंट, अच्छा मैंने जो केस किया था उसमें एक एंगल ये भी था, रिच और पुअर वाला तो था ही, दूसरा ये था मुझे लग रहा था कि यार एक फैमिली के एक बच्चा जाएगा ही जब उसमें दूसरा नहीं जाएगा तो अच्छी लड़ाई होगी घर के अंदर, है हुई भी कई घरों में, मेरे पास आए वो लोग, ये हुई भी, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, हमारे गवर्नमेंट स्कूल इंप्रूव करेगा, लेकिन वो नहीं हुए। ऑन दी अदर हैंड हम आज देख रहे हैं कि थोक रेट पर गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे देश भर में, और स्टैंडर्ड भी बिल्कुल बहुत ही खराब है। तो ये सब इश्यू है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये इसका जो बैकग्राउंड है, बट आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक नलवी जी विल एग्री टू कि बहुत बड़ा रीजन जो है दिल्ली का जो सक्सेसफुल हुआ वो, और आज पेरेंट जो है ना मतलब मैड यार मैड, ऐसे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं हॉस्पिटल में भी इसी तरीके से हमने लागू करा है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, तो उसमें गरीब आदमी का जो पेशेंट जाता है 5 स्टार में और वो बताता है कि साहब नर्स हमको सर बोल रही है, मैडम बोल रही है, खाना हमारे बेड पे आता है, और फिर उसको बिल भी मिलता है 20 लाख रुपए का जिसको पे नहीं करना होता और ठीक भी हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका खुशी और चेहरा, और ये होना चाहिए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिटी की बात करता है, समता सबका समाज की बात करता है। थैंक यू।